हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग फाइनली बात करेंगे आप कैसे डिजिटल से शॉर्ट रेंज पर, बिल्कुल ही शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट कैसे ले सकते हो। और उसके लिए गाइस मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से गाइस आप भी काफ़ी इजीली किसी भी एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो, वो भी शॉर्ट रेंज पर। तो गाइस उसके लिए आपको ये वीडियो को बिना किसी स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, तब भी जाके आपको पता चलेगा कि शॉर्ट रेंज पर कौन सा ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यह पर तो गाइस बहुत सारे बंदे क्या करता है कि मिड और लॉन्ग रेंज पर तो काफ़ी अच्छा वन टैप मार लेते हैं डिजिटल पर, लेकिन गाइस वो जब भी शॉर्ट रेंज पर आ जाता है उसी टाइम गाइस उसका वन टैप नहीं लगता है, बल्कि उसका एम जो है बॉडी पर ही लॉक होके रह जाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे आपको कौन सा ट्रिक यूज़ करना है ताकि आपका भी वन टैप काफ़ी अच्छा लगे, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों रेंज पर ही आप काफ़ी अच्छा वन टैप मार सकते हो। उसके लिए गाइस आपको बिना किसी स्किप किए ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस चलो बिना किसी देरी के अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक बात अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपके पास जो डिजिटल गान है ये एक मिड रेंज का गान है। अगर आप ये शॉर्ट रेंज में यूज़ करना चाहते हो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ज़्यादा मोमेंट स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप मोमेंट स्पीड इंक्रीज नहीं करोगे तो गाइस उसी टाइम क्या होगा, आपके आगे जो एनिमी है उसके पास तो कोई ना कोई शॉर्ट रेंज का गान अच्छा खासा होगा ही होगा, और उसी टाइम गाइस आपको वो काफ़ी ईजिली मार के चला जाएगा। गाइस आपको सबसे पहले मोमेंट स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि अगले वाले जो बंदा है आपके आगे जो एनिमी है वो आपको डैमेज ना दे पाए। आप अगर ये ट्रिक को सही से यूज़ करना सीख गया तो गाइस आप भी काफ़ी इजीली शॉर्ट रेंज पर भी डिजिटल चला पाओगे। उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमी को घुमाना है, आपको क्या करना है एनिमी के सामने ही आपको एनिमी को चकमा देना है। उसके बाद गाइस आपको एक एक बार ट्राई करना है उसको हेडशॉट मारने के लिए। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं कि शॉर्ट रेंज पर भी उसका एम जो है बॉडी के आसपास रख लेते हैं, ये आपको कभी भी नहीं करना है। अपना एम को हमेशा हेड की बराबर रखना है, लेकिन गाइस आपको पहले ही एनिमी के साथ अपना एम को चिपकाना नहीं है। अगर आप एनिमी के साथ पहले ही अपना एम को चिपका देते हो तो गाइस आप जितना भी ड्रैग कर लो आपका एम जो है बॉडी पर ही लॉक होके रह जाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपको क्या करना है, अपना एम को हमेशा व्हाइट रखना है, लेकिन गाइस अपना एम होना चाहिए हेड के बराबर। अगर आप बिल्कुल नीचे की ओर रखते हो तो गाइस उसी टाइम आप जितना भी ट्राई कर लो आपको हेडशॉट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना एम को हेड के आसपास रखना है, उसके बाद आपको ड्रैग लेना है सीधा एनिमी की हेड की तरफ, और आपको यहाँ पर वन टैप देखने के लिए मिल जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ आपको ये मेथड को सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस नंबर टू आपको क्या फॉलो करना है, नंबर टू गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि हाथ में गान लेके घूमते रहते हैं। तो गाइस आपको कभी भी ये ट्रिक को यूज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है एक एक फायर करना है और गान को तुरंत स्विच कर लेना है। उससे क्या हुआ कि आपका गान में जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और आप काफ़ी इजीली किसी भी एनिमी को काफी जल्दी से हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस आपको ये ट्रिक को भी यूज करना पड़ेगा। आप जब भी फायर करो फायर खत्म होने के साथ साथ आपको गान को भी स्विच कर लेना चाहिए। उसके बाद गाइस नंबर थ्री वाला जो ट्रिक दूंगा ये ट्रिक को भी आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, अगर आप शॉर्ट रेंज पर डिजिटल से वन टैप लेना चाहते हो तो गाइस आपको फास्ट ड्रैग आना चाहिए। अगर आप फास्ट ड्रैग करना सीख गया तो गाइस आप काफी इजीली किसी भी एनिमी को शॉर्ट रेंज पर भी हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप स्लोली स्लोली ड्रैग करोगे तो गाइस आपको वन टैप नहीं मिलेगा, बॉडी पर ही अपना एम जो है लॉक होके रह जाएगा। तो गाइस आपको कभी भी स्लोली स्लोली ड्रैग नहीं करना है, आपको जितना हो सके फास्ट और तेजीली ड्रैग लेना है। उससे क्या होगा कि आपका एम जो है बॉडी पर लॉक होने का चांस नहीं रहेगा, अपना एम जो है सीधा हेड पर चला जाएगा। तो गाइस आपको कभी भी सोली सोली ड्रैग नहीं करना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस नंबर फोर वाला ट्रिक देता हूँ, ये ट्रिक तो गाइस आपको फॉलो करना चाहिए, यानी सबको ये ट्रिक फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर होता क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो गाइस उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर मैं सेम बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारे के सारे ट्रिक को भी फॉलो करना है। और उसके साथ साथ गाइस आपको टेलिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस भी करना है। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे क्या होता है, और उसके बाद गाइस आप किसी भी एनिमी को काफ़ी इजीली हेडशॉट मार के ख़त्म कर सकते हो। और उसके साथ साथ गाइस अगर
आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।